इस कहानी में हमने ये बताने की कोशिश की है कि दहेज के खिलाफ न जाने कितनी शादियां टूटती है। तो चंद फैमिलियों की तरफ से अपनी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी ना खराब करें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुम्हारे को सर है किसका कार्ड है वो किसकी देखो क्या है पहला नाम तो पढ़ो उसमें कौन बोले क्या सर है लड़की देखने गए थे तो मुबारक हो मुबारक क्या मुबारक मुबारक कौन बोले नेवा भाई कैसा चंदगढ़ है रे तू कहा रहे सो आप 50 रिश्ते पूरे इसके बारे में ये देखा दलिंदर ले जाओ एक रिश्ता नहीं दे रही सिर्फ मुंह देख कुछ नहीं दे रहा सच्ची सर बोल रहे सो भाई ऐसा क्या नहीं रे भाई क्या हुआ 50 रिश्ते बोला मैंने 50 रिश्ते की बात छोड़ छोड़ मरे मुर्दे नहीं 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 करता मैं अब कल की बात बोलता हूँ क्या बात सुन जैसा ही लड़की के घर को गए वहाँ एक बड़ा सोफा था हमारे पप्पा जा को सोफा पे बैठे बाजू एक कुर्सी थी वो कुर्सी के ऊपर हमारी मौसी बैठी जैसा ही मौसी बैठी हमारे नाना नानी खाला खालू चाचा चाची सब जने मिलकर आज चौपी बैठे बैठे के साथ मेरे होने वाली सासू माँ यानी लड़की की माँ उन्हें अंदर किचन में आवाज दी बेटा जरा चाय लाना कर को हमारी चाची है देखी से देख कर चाचा सामने बैठा था चाचा ने इशारा करी हमारे चाचा क्या बोले मालूम है क्या क्या बोले बेटी चाय के साथ मिठाई और बिस्कुट लाना वो कहीं को सुन रहे भाई चुप बोलो टपो चढ़ो मेरे तरफ से नहीं फेलो का रिश्ता फेलो वो बोलो वो सुन बोलो जैसे ही लड़की अंदर से बाहर आई चाय और मिठाई लेको हमारे चाचा सर घूरिया घूरे के साथ टेपर पे उच्ची ट्रेन हटे के साथ वाह मेरे मन में लड्डू फूटा लड़की पसंद नहीं हमारी फैमिली वाले गूगल पर पानी से हमारी चाची हमारे चाचा के साथ घूरी चाची हमारे चाची घूरे के साथ हमारे चाचा बिस्किट उठा वाह क्या बिस्किट आए थे और ठड़न लगाया मेरा दिल कंट्रोल मजनू फिर मेरे ससुर ने मुझे बड़े ही गुस्से से घूरा तब मेरे प्यारे मामू जान ने अपना मुंह खोला क्या बोले बेटी मैं चाय नहीं पीता मेरे लिए ले आओ कोको कोला सर मैं मानती सर तुम्हारे ऊपर क्या भी थी ये देख को सीन हमारी मामी हुई चार बेटा तू घर चल देख ले तुम तुझे आज कहीं हमारा मामू भी ठंडा और क्या हुआ सर है जो सोफे पर बैठा थे हमारे पप्पा हमारे नानी को बोले जो काम के लिए आया पहले वो काम कर लो बाद में दूसरे बात करेंगे गए ठीक है सर बोले हमारे नानी हमारे बाजू को मौसी बैठी थी तो उसके कान में बोले बोले सर हमारी मौसी उठी मौसी उठ को वो छोरी को कमरे में ले गई कमरे में लेट जाओ बेटा जरा चल के दिखाओ बेटा जरा गा के दिखाओ बेटा जरा बोल के दिखाओ बेटा जरा मुंह धो के दिखाओ एक घंटे तक हमारी मौसी कमरे में करती रही काव 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 फिर एक घंटे बाद दरवाजा खुला मौसी ने मेरे नानी के कान में कुछ बोला मेरे नानी ने मेरे ससुर को बुलाया मेरी सास को बुलाया बुला के कहा हमें एक सूट चाहिए एक कार चाहिए 50 तोले सोना 100 तोले चांदी 5 लाख मलीमे का खर्चा सोच लो बातचीत हम बाद में करेंगे पहले हम पूरे खानदान के साथ आपके घर में खाना खाएंगे ये बात सुनते हुए मेरी होने वाली सासू माँ सबर करी और अपने शोहर से बोला लड़की का मामला है संभाल लो मेरे सजने का सिर खराब हुआ बेचारा दरवाजा खोलिया एक 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 कर सबको घर के बाहर फेंक गया और क्या बोला बोलो फकरा के खानदान के मैं भीख नहीं देता हमें बीटे लेने हमें तुम्हें चलो क्या कर इसका तो रिश्ते तुम्हारे लिए सर इसमें
तुम्हारी फैमिली पूरी गलती है सर इसमें। तुम्हें क्या तो पार्टी लेने वास्ते मेरी शादी नहीं हो रही है सर, माफ करो सर। अभी खुशी से आते सर पार्टी के लिए आ जाइए, रिश्ता घटवाता करो को सर। सॉरी सर, ये आज और एक दूसरे रिश्ते देखने के रिश्ते से पूरा घर खाली है। नकोड़ सर तुम अब आप पूछ करते क्या करते सर, आप कैंसल शादी तय करो सर। किसे भगाई का शादी कर लेते नहीं मदर से मिला कौन सी तेरी अच्छी गरीब बच्ची की शादी कर लेगा आप छोड़ दो। बहुत अच्छा सर, ढूंढो सर यार, ढूंढो सर सर तू ढूंढा तेरे सर की सुनाना एक शेर ठीक है ना सर। हम आपके सामने ये कहानी इसलिए पेश किए हैं कि चंद फैमिलियों की तरफ से आपकी आने वाली पीढ़ियों की शादी नहीं हो पाती, तो समझदार बनिए, सोच बदलिए।